हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मेरा नाम है सचिन और मैं आप लोगों को बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने क्लास 12th के जो पाठ्यक्रम का परिचय था उसको दे दिए थे, आज गाइस जो हम लोगों का टॉपिक है, आज हम लोग पार्ट 1 के अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, अलैंगिक जनन क्या होता है? जीवों में वह जनन, अलैंगिक जनन जीवों में वह जनन होता है जिसमें नर व मादा दोनों भाग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं तथा निषेचन के पश्चात एक नए जीव का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। गाइस आइए लिखते हैं, जिसमें नर व मादा दोनों एक ही जीव में उपस्थित होते हैं तथा निषेचन के दौरान नए जीव का निर्माण करते हैं। गाइस, यह हो गया अलैंगिक जनन, जीवों में वह जनन जिसमें नर व मादा दोनों भाग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं तथा निषेचन के दौरान नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। गाइस, इसका एग्जांपल हो गया सभी पुष्पी पादप। अब गाइज, हम लोग ये जानते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे, अलैंगिक जनन के बारे में जान लिए, अब हम लोग यह जानेंगे कि अलैंगिक जनन के क्या क्या चरण होते हैं या किस किस प्रकार के होते हैं, तो इसे हम लोग जानेंगे। तो गाइज, अलैंगिक जनन में जो हम लोगों का पहला है टॉपिक वह है विखंडन। अलैंगिक जनन में विखंडन पहला है, विखंडन। गाइज, विखंडन क्या होता है, आइए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो विखंडन, जीवों में जब कोई भी जीव दो या दो से अधिक भागों में विखंडित होकर के दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। गाइज, अब हम लोग आइए लिखते हैं, जब कोई भी जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर दो या दो से अधिक नए जीव का निर्माण करता है, गाइज विखंडन।
विखंडन वह होता है जब कोई भी जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है, उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। अब गाइज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ विखंडन। तो गाइज जो विखंडन होता है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। तो गाइज हम लोग पहले द्विविखंडन के बारे में जानते हैं। द्विविखंडन क्या होता है? जीवों में वह विखंडन जिसमें कोई भी जीव दो भागों में विभाजित होकर के दो नए जीव का निर्माण करता है तो उसे हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। जब कोई भी जीव दो भागों में विभाजित होकर दो नए जीव का निर्माण करता है, दो भागों में विभाजित होकर दो नए जीव का निर्माण करता है तो उसे द्विविखंडन कहते हैं, तो उसे द्विविखंडन कहते हैं। गाइज इसका एग्जाम्पल जो होता है वह है अमीबा। अमीबा। गाइज आप लोग जान लिए कि द्विविखंडन क्या होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अमीबा में विखंडन कैसे होता है या कैसे दो जीव का निर्माण करता है। तो गाइज जैसे मान लीजिए यह कोई अमीबा है, यह मात्र अमीबा है और यह इसका हो गया सेंटर केंद्रक हो गया और ये सब उसके कोशिका द्रव्य हो गए। गाइज ये इसका केंद्रक है और यह कोशिका द्रव्य। तो गाइज अब यह जो अमीबा है अब यह म्यूटेशन की वजह से दो भागों में विभाजित होगा। मान लीजिए अब यह विभाजित होने वाला है तो इसके कुछ ऐसे आकार बन जाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा थोड़ा, और जो इसके केंद्रक होते हैं यह लंबा और पतला हो जाता है। जो केंद्रक गोलाकार होता है विखंडन के समय वह लंबा और पतला हो जाता है। कुछ समय के पश्चात इससे दो नए अमीबा का निर्माण होता है गाइज यह हो गया अमीबा में द्विविखंडन। आप लोग जान लिए कैसे अमीबा में द्विविखंडन होता है। गाइज अमीबा एक जलीय जीव है जो एक कोश के जीवों में आता है। गाइज प्रायः एक कोश के जीव द्विविखंडन की क्रिया को अपनाते हैं। गाइज यह इसका कोशिका द्रव्य हो गया और ये दोनों केंद्रक हो गए। और गाइज इन दोनों को हम लोग बोलेंगे नवनिर्मित अमीबा। यह हो गया नवनिर्मित अमीबा। और गाइज इसे हम लोग मातृ अमीबा भी बोल सकते हैं, मातृ अमीबा। गाइज आप लोग देख लिए कि अमीबा में कैसे द्विविखंडन की क्रिया होती है। अब हम लोग जानेंगे बहुविखंडन। गाइज विखंडन के दो प्रकार, पहला द्विविखंडन, अब हम लोग बहुविखंडन के बारे में जानेंगे। गाइज इसे साफ कर देते हैं फिर इसके पश्चात द्विविखंडन की क्रिया को हम लोग समझेंगे। गाइज जब हम लोग समझेंगे दूसरा जो इसमें है बहुविखंडन। गाइज बहुविखंडन क्या होता है? जब कोई भी जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर के दो या दो से अधिक जीव का निर्माण करता है तो उसे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं।
जब कोई भी जीव दो से अधिक भागों में विभाजित होकर दो से अधिक भागों में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करता है तो उसे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। गाइज, जब कोई भी जीव दो से अधिक भागों में विभाजित होकर के दो से अधिक नए जीव का निर्माण करता है तो उसे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। गाइज, इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन। गाइज, यह प्लाज्मोडियम कवक जो होता है यह जब गंदगी में पाया जाने वाला है, यह जब मच्छर गंदगी में बैठता है तो यह मच्छर के पैरों पे चिपक जाता है। मान लीजिए जैसे यह कोई है मच्छर, यह मच्छर है और यह मानव को काटा, जो मच्छर है यह मानव को बाइट किया, मच्छर ने मानव को बाइट किया। अब जो मच्छर से जो प्लाज्मोडियम कवक है वह मानव के अंदर आ गया। मानव के अंदर आने के बाद यह सीधा चला गया लीवर में। लीवर में जाने के बाद इसकी जो एक संख्या थी यह अलैंगिक जनन करके ढेर सारे संख्या में वृद्धि कर लिया। ढेर सारे संख्या में वृद्धि करने के पश्चात यह जो मानव शरीर होता है उसको इन्फेक्टेड करने लगता है। तो गाइस, यह हो गया हम लोगों का बहुविखंडन। बहुविखंडन में प्लाज्मोडियम कवक आता है। यह इसी के द्वारा ही मलेरिया नामक बीमारी होता है। मलेरिया नामक बीमारी मच्छर के काटने से नहीं बल्कि इसमें मच्छर वाहक होता है और जो बीमारी फैलाने वाला रोगजनक होता है वह होता है प्लाज्मोडियम। तो गाइस, आप लोग जान गए कि मच्छर जो होता है वह वाहक होता है। मच्छर के काटने पर व्यक्ति इन्फेक्टेड नहीं होता। इस प्लाज्मोडियम कवक के द्वारा जब यह मानव के शरीर में चला जाएगा, रुधिर में चला जाएगा, फिर वहाँ से लीवर में जा करके यह अलैंगिक जनन के द्वारा ढेर सारे प्लाज्मोडियम का निर्माण कर देगा। तो इससे गाइज यह स्पष्ट होता है कि मच्छर इसमें वाहक होता है। मच्छर कभी भी इन्फेक्शन नहीं फैलाता। मच्छर वाहक होता है, जो इन्फेक्शन करता है वह होता है प्लाज्मोडियम। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग द्विविखंडन और बहुविखंडन के बारे में जान लिए, यह विखंडन का प्रकार। अब इसके पश्चात अलैंगिक जनन के और क्या चरण हैं, आइए हम लोग उसके बारे में भी जानते हैं। तो गाइज, हम लोग अब विखंडन के बारे में जान लिए। अब इसका जो दूसरा टॉपिक है वह है मुकुलन। गाइज, मुकुलन में जैसे कोई भी मातृ जीव होता है, मातृपादप होता है, उससे थोड़ा सा उभर जाता है, कोई भी उसका कोई अंग थोड़ा सा उभर जाता है, फिर धीरे धीरे वह एक कलिका का रूप ले लेता है। कलिका का रूप लेने के पश्चात धीरे धीरे वह कलिका विकसित होकर के जब वह भोजन पाने योग्य हो जाता है तो वह मातृपादप से अलग हो जाता है। इसके द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो गाय, जब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा मुकुलन विधि के द्वारा तो गाइस, मुकुलन विधि के द्वारा आइए हम लोग लिखते हैं। जब किसी पादप में नए जीव का निर्माण मुकुल के द्वारा होता है। मुकुल मतलब कलिका के द्वारा होता है,
तो उसे हम लोग मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक प्रजनन कहेंगे। गाइज इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसके नो टाइप, इसके कोई भाग नहीं होते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। गाइज इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। हाइड्रा में जो होता है नए जीव का निर्माण, वह मुकुलन विधि के द्वारा होता है। गाय जाइए अब हम लोग इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। गाय जैसे मान लीजिए यह कोई हाइड्रा है ना, यह पूर्ण रूप से विकसित हाइड्रा है, यह पूर्ण रूप से विकसित हाइड्रा है। गाइज जैसे मान लीजिए यह हाइड्रा है, अब इसमें जो या इसमें तो कुछ नहीं हुआ है ना, अब ऐसा हाइड्रा बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा मुकुल निकलेगा। तो गाइज जब हम लोग थोड़ा सा मुकुल वाला हाइड्रा बना लेते हैं, जैसे गाइज यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुकुल निकल गया, गाइज यह हो गया। अब देखिए यहाँ से यह मुकुल निकला, अब कुछ समय के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात अब यह जो मुकुल है यह बड़ा हो जाएगा। जब यह पोषण पाने लायक हो जाएगा तब यह अपने मातृ पादप से अलग हो जाएगा। अब गाइज आइए हम लोग अगला चित्र बनाते हैं। इसमें अब मुकुल, जो मुकुल था वह थोड़ा बड़ा हो गया है, मतलब एकदम परिपक्व होने के स्टेज पर आ चुका है। गाइज यह हो गया। अब यहाँ पर भी इसके जो मातृ के जैसा संरचना है, यहाँ पर भी ऐसी संरचनाएं बन जाती हैं। गाइज यह हो गया। अब देखिए यह जो पहला हाइड्रा था इसमें किसी प्रकार का कोई मुकुल नहीं था, दूसरे हाइड्रा में थोड़ा सा यहाँ पर उभरा, तीसरे हाइड्रा में यह जो था यह पूरा बड़ा हो गया, और चौथे हाइड्रा में यह पूर्ण रूप से विकसित हो गया। गाइज यहाँ पर देख लीजिए, अब यह पूर्ण रूप से यह वाला जो है यह पूर्ण रूप से स्वयं एक नए हाइड्रा का निर्माण ले लिया, स्वयं एक नए हाइड्रा का निर्माण ले लिया। इस प्रकार से गाय जो हाइड्रा में होता है वह जनन विधि मुकुलन विधि के द्वारा होता है। गाय जब हम लोग जान लिए मुकुलन, गाइज बस आज का लेक्चर यहीं तक। हम लोग अलैंगिक जनन में विखंडन और मुकुलन के बारे में जान लिए। अब जो हम लोगों का कल का टॉपिक रहेगा, इसमें जो तीसरा आता है, इसमें जो तीसरा है वह है बीजाणु जनन के द्वारा, बीजाणु जनन के द्वारा, और जो चौथा आता है वह आता है कायिक प्रजनन के द्वारा। गाइज ये दोनों टॉपिक बहुत ही लंबे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। कल का लेक्चर गाइज ये है, कल का लेक्चर स्टरडे। गाइज कल का लेक्चर ये होगा, इसमें जो तीसरा है बीजाणु जनन और जो चौथा है कायिक प्रजनन, इसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। गाइज आज का वीडियो यहाँ तक हो गया है। अब गाइज बस आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।